शिवपुर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगरेप के तीनों आरोपियों के मकान तोड़े। सीएम ने एंटी माफिया अभियान के तहत जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध प्रदेश में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा गैंगरेप मामले में सख्ती दिखाते हुए गैंगरेप के तीनों आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश पर SDM लोकेंद्र सरल एवं तहसीलदार संजय जैन सहित राजस्व एवं पुलिस अमले तथा नगर पालिका के मदाखलत दस्ते ने आज दोपहर कार्रवाई करते हुए गैंगरेप के तीनों आरोपियों शाहनवाज पुत्र जाकिर खान निवासी वार्ड 6-7 चूना भट्टी बालापुरा शिवपुर, रियाज पुत्र आजाद खान वार्ड 6-7 शिवपुरी रोड फैशन पॉइंट के पीछे एवं मोहसिन पुत्र सत्तार खान रामतलाई हनुमान मंदिर के सामने रेंज ऑफिस के पीछे शिवपुर स्थित शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। उक्त तीनों आरोपियों के मकान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे। नगर पालिका के संपत्ति कर रजिस्टर एवं समेकित रजिस्टर में ये संपत्तियां दर्ज नहीं थीं। इसके साथ ही मोहसिन पुत्र सत्तार खान के कब्जे की शासकीय भूमि को मुक्त कराते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई तथा अतिक्रमण को खुर्द बुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि गैंगरेप के तीनों आरोपी कृषि उपज मंडी शिवपुर में हम्बाली का कार्य करते थे। इनके हम्बाली के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। शिवपुर से गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। जो है उनके मकान धराशायी किए गए। देखिए, ये तो इनके द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया था और अतिक्रमण किए गए मकानों को धराशायी किया गया। सर, वो तीनों आरोपी जिनके मकान धराशायी किए गए हैं वो बलात्कार के आरोपी हैं जिनको लेकर आज प्रशासन एक्टिव हुआ और ये सख्त कार्रवाई की। नहीं नहीं, ये तो अतिक्रमण किए हुए थे, इसको लेकर के किए गए। ऐसा कोई भी करेगा माफियागिरी तो उसके खिलाफ भी ऐसी सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल कर रखा था तो उसको भी हमने खुर्द बुर्द कराया और घरों को भी कराया और हम आगे भी ऐसी कार्रवाई करते रहे। सर, बताया गया है कि तीनों ये आरोपी हैं जो 2 दिन पहले गैंगरेप हुआ है उसमें आरोपी बताए गए, क्या उसी को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की गई है? ये हम लोग लगातार ऐसी कार्रवाइयां पहले भी करते रहे हैं। हम लोग जो भी शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा हो चाहे कॉलोनी से संबंधित हो, और हमने वर्तमान में ये 3 केस हमारे समक्ष आए थे, इनका प्रतिवेदन हम नगर पालिका से मिला था, नगर पालिका की टीम के लिए हमने कार्रवाई की। आए 3 आवासों पे और ये इस पर चलाए, किस प्रकार की कार्रवाई है, क्या इनके खिलाफ एक्शन लिया गया? ये जो नगर पालिका की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, ये लोग सरकारी ज़मीनों पर मकान बनाए थे, अवैधानिक रूप से रह रहे थे, इनको पूर्व नोटिस लिए गए हैं और उनके द्वारा तो नहीं हटाए जा रहे थे, उनका वो हटाया गया है कार्रवाई। किसके मामले में सर, किस मामले में इन पे ज़्यादा एक्शन लिया गया, क्योंकि ये 3 आरोपी कल गिरफ्तार भी हुए? ये अलग एक अलग मुद्दे में उनके द्वारा चाहे अपराध उनके विरुद्ध दर्ज हुआ है, एक गैंगरेप के संबंध में पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला, वो एक अलग विषय है, वो भी उस पर भी कार्रवाई चल रही है, वो अलग कानूनी कार्रवाई है, ये अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई। तो अतिक्रमण सर केवल 3 लोगों को ही हटाया गया है? नहीं, ये पहले से जिनको नोटिस दिया गया था उन्हीं के।